देख रहे हैं आज का यूथ दूर होता जा रहा है खेलों से। तो एयू बैंक का एज सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा प्रयास रहता है कि लुप्त हो रहे जो खेल हैं उनको हम प्रमोट कर सकें, दोबारा से हम उनको यूथ के बीच में, मतलब बच्चों को, जैसे आपने देखा ही होगा कि अराउंड 200 पार्टिसिपेंट्स इसमें आए हैं। तो ये थ्रू आउट इंडिया से आए हैं पार्टिसिपेंट्स। तो ये इवेंट के लिए जब रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के लोग हमारे पास आए कि हम इसे प्रमोट करने में उनका सहयोग दें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट और इसको स्पॉन्सर्ड करें इवेंट को, तो हम पहले से ही कीन थे कि होना चाहिए ये एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने किया, इसको इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम। जी सर, पहाड़ी क्षेत्र है, पर्यटन नगरी है, रोलर स्केटिंग जैसे खेल को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप? जहाँ तक रोलर स्केटिंग की बात है, रोलर स्केटिंग की अगर हम देखें, पूरे इंडिया का जो फर्स्ट रिंक है रोलर स्केटिंग का, वो ये लक्कड़ बाजार है। हम खुद, आई बिलोंग टू शिमला ओनली, बचपन से हम भी स्केटिंग करते आए हैं, बहुत साल हमने भी स्केटिंग की है और हमारा सर्कल भी सारा, जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले कितने सालों से स्केटिंग में इन्वॉल्व रहा है, मतलब शिमला का जो स्टूडेंट तबका है, तो वो काफ़ी टाइम से स्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ की मैनेजमेंट, गवर्नमेंट भी कराती रही है कंपटीशन इन 90s, तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा हमने देखा नहीं। समर फेस्टिवल का जो आयोजन करती है DC ऑफिस की, जो इनका है, वो करते थे पहले, लेकिन वो अब नहीं हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इसको प्रमोट किया जाए और जो पहले ट्रेंड था शिमला में उसको वापस लाया जाए रोलर स्केटिंग रिंग का। फाइनेंशियल क्षेत्र में अगर बैंक के रोल की बात की जाए तो क्या स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए या अदरवाइज क्या प्लान है जिन्हें बैंक पेश कर रहा है? स्पोर्ट्स के लिए जैसे कि एज आर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम चाहते हैं कि हम उसमें एज अ बैंक पार्टिसिपेट करें। AU वैसे तो 20 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन पिछले एक साल से, हमने अभी लास्ट ईयर 1 ईयर कंप्लीट किया है इस अप्रैल में एज अ बैंक, तो हम अपने बैंक का भी प्रमोशनल, उसके लिए हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। किसी ना किसी इवेंट में हर समय हम इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, तो चाहे वो खेल हो, चाहे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में और तरह के इवेंट्स हों, तो हम वी आर ऑलवेज कीन टू पार्टिसिपेट इन ऑल दिस काइंड ऑफ इवेंट्स। अदरवाइज क्या योजनाएं हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, स्कीम्स क्या हैं बैंक? बैंक की जो हमारी स्कीम्स हैं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा देते हैं। सेविंग्स अकाउंट्स में हम बात करें तो, और मंथली पे आउट जैसी चीज़ें हम लाए हैं, विच इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन बैंकिंग इंडस्ट्री। और लोनिंग का तो हम पिछले 20 साल से कर ही रहे हैं, लोनिंग का हमारा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है अराउंड 15,000 करोड़ का, जो कि हम 11 स्टेट्स टू 50 ऑफिसेज से पिछले 20 ईयर से इसमें इन्वॉल्व थे। और लास्ट फ्रॉम पास 1 ईयर हमने 400+ ब्रांचेज खोली हैं। हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक हुए, फिर हमारा IPO आया सक्सेसफुली, 420 ब्रांचेज खोलने के बाद हम 7,000 करोड़ पे, हमारी डिपॉजिट बुक भी पहुंच गई है। तो उसका, वो जो हमें इतना रिस्पांस मिल रहा है, उसका रीज़न यही है कि हमारे कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी सेवाएं हम कस्टमर्स को दे पा रहे हैं, बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, चाहे FD की बात करें या सेविंग की बात करें। स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी हैं उनको क्या क्या संदेश देना चाहेगा बैंक फाइनेंशियल सपोर्टिंग के लिए लेकर? वी आर ऑलवेज देयर, कभी भी आने वाले समय में भी हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वी आर कीन टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ इवेंट्स। क्लिक से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।